आप देख रहे हैं सीपीसी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान अहमद जकी। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बडियां इजाज़ असलम मार्थ और चीफ ऑफिसर राणा लियास ने ईद उल अज़हा के मौका पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए मुनासब इकदाम किए। शहर भर को साफ सुथरा रखने पर शहरियों ने इंतजाम को सराहते हुए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आइए जानते हैं शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज असलम मार्थ और सीओ राणा अलियास का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे ही सफाई का ख्याल रखा जाएगा। हम जनाब एसी पिंडी भटियां के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने पहली दफ़ा ईद बड़ी ईद के ऊपर सफाई का इंतहाई अच्छा इंतज़ाम किया है। मैं पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही सीपीसी न्यूज़ का भी कि जिन्होंने इस कवरेज किया है इसको। एसी साहब के बड़े मशहूर हैं जिन्होंने ईद वाले दिन लाशों को अपने जगह पर ठिकाने लगाया। वालेकुम असी एसी साहब के बड़े मशहूर हाँ, बड़ी सफाई करवा दी थी ने पिंडी भटियां। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इस तरह होया है कि किधरे कोई आलाइश कोई गंदगी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। तो बड़े मशहूर हाँ असी असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटियां के जिन्हों की वसात नाल पूरा शहर साडा साफ रहा। मैं पिंडी भटियां दे एसी साहब का बहुत बहुत मशहूर हाँ जिन्होंने इस बारी ईद ईद उल अज़हा के उत्ते बिल्कुल टोटल पिंडी भटियां साफ रखे। इंतजामिया के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सफाई का खास इंतज़ाम किया है, आलाइशों को ठिकाने लगाया है। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। पिंडी भटियां की तारीख में पहली दफ़ा सफाई का बहुत अच्छा ख्याल किया गया थी, ठीक है, और टीएमए की तरफ से हमें काफ़ी रिस्पांस मिला। जैसे शुक्रगुजार हाँ एसी साहब जिंदाबाद पिंडी भटियां का बहुत अच्छा ख्याल रखे उन्होंने। गंद किधरे भी नहीं नज़र आया, बड़ा अच्छा माहौल सी, अद की बदबू भी नहीं सी तो बड़ा अच्छा माहौल सी।